नमस्कार, मैं हूँ यास्मीन। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर फिर से बहस छिड़ गई है। लोग अब बॉलीवुड में काम करने वाले इनसाइडर्स और आउटसाइडर्स को लेकर बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कई लोगों ने तो सुशांत की आत्महत्या करने के पीछे बॉलीवुड के कई बड़ी हस्तियों को जिम्मेदार ठहराया है। लोग सलमान खान और करण जौहर जैसे स्टार्स पर भड़ास निकाल रहे हैं। वहीं इसी बीच सलमान को लेकर एक खबर काफी वायरल हो रही है, जिसमें ये बताया गया है कि एक बार सलमान खान को बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी थी। आखिर क्या है पूरा माजरा, चलिए बताते हैं आपको। ये तो आप जानते ही हैं कि सुनील शेट्टी बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं। उन्होंने फिल्म बलवान के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू किया था। अपनी पहली ही फिल्म के बाद वो स्टार बन गए थे। इस फिल्म के बाद सुनील को कई फिल्में ऑफर हुई थी, जिनमें एक फिल्म ऐसी भी ऑफर हुई थी जिसकी एक्ट्रेस सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली थी। कहा जाता है कि जब सोमी अली को पता चला कि इस फिल्म के हीरो सुनील शेट्टी हैं, तो उन्होंने प्रोड्यूसर को ये कहते हुए मना कर दिया कि वो एक स्ट्रगलर के साथ काम नहीं करेंगे। जबकि सुनील उस टाइम स्टार बन चुके थे और वही सोमी की एक भी फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। सोमी ने फिल्म बुलंद की शूटिंग तो पूरी कर ली, लेकिन ये फिल्म रिलीज नहीं हुई। सुनील को जब ये पता चला कि सोमी अली ने उन्हें स्ट्रगलर कहा, तो उन्हें दुख हुआ। तब तो जैसे तैसे सुनील ने इस बात को नजरअंदाज किया, लेकिन उनके दिल में ये बात काफी चुभ गई थी। वहीं कुछ टाइम बाद सोमी अली को एक फिल्म मिली जिसका नाम था अंत। इस फिल्म के लिए डायरेक्टर ने सुनील शेट्टी को चुना था। कहा जाता है कि ये वो टाइम था जब सोमी अली अपने करियर को बचाने के लिए कोई भी फिल्म करने को तैयार थी। सोमी ने सुनील के साथ काम करने के लिए तुरंत ही हाँ बोल दी। वहीं जब सुनील को पता चला कि फिल्म अंत की हीरोइन सोमी अली है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। डायरेक्टर की पहली पसंद सुनील ही थे, इसलिए डायरेक्टर ने सोमी से कहा, अगर इस फिल्म में सुनील नहीं होंगे तो ये फिल्म बंद कर दी जाएगी। खबरों की माने तो तब सोनी के पास कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं था। तब उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड सलमान खान को सारी बातें बताई। कहा जाता है कि इसके बाद सलमान सोमी का करियर बचाने के लिए सुनील के पास गए और उनसे सोमी की तरफ से हाथ जोड़कर माफी मांगी और उन्हें सोमी के साथ काम करने के लिए मना लिया। हर कोई जानता है कि सुनील बॉलीवुड के सबसे दरियादिल इंसान हैं। और तो और, सुनील और सलमान एक अच्छे दोस्त थे, इसलिए सुनील ये फिल्म करने के लिए तैयार हो गए थे।